फेवरेट एरिया है? पिस्टन सिलेंडर डिवाइस। ठीक, तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। अभी देखना पिस्टन सिलेंडर डिवाइस एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बनते हैं जो आपको परेशान करते हैं। ये एक गैस है, लेट्स से एयर है, ठीक। यहां पर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 100 किलो पास्कल है, वेट ऑफ द पिस्टन 600 न्यूटन, 60 kg। राइदर देन 60 kg के आप सिक्सटी न्यूटन मान लो। एरिया ऑफ द पिस्टन इज 1 m². ठीक है ना, क्लियर है? क्लियर इज दैट क्लियर? यहां तक कहानी क्लियर है? देखो आपको अपना थिंकिंग डेवलप करना है। ये सारा जो बार इंटरव्यू ना, आपका थिंकिंग इवॉल्व करने का वो है। आपके आपको इसके लिए कोई सिखा नहीं पाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो बता दो व्हाट इज द इनिशियल प्रेशर ऑफ द एयर। व्हाट इज इनिशियल प्रेशर ऑफ द एयर? P1। व्हाट इज P1? प्रेशर एयर का कितना है? पूरे चांसेस है ब्रो, 335 पे IIT में पूरे चांसेस है इस बार, मतलब थर्मल डिजाइन का चांस है। बताओ ऐसे निकाल के बताओ, ऐसे नहीं। मिल सकता है इंडस्ट्रियल भी मिल जाएगा, आई थिंक मिल जाना चाहिए। ठीक है, चलो। तो कहने का क्या मतलब, P1 कैसे निकालेंगे? पिस्टन है, नीचे से एयर प्रेशर लग रहा है विच इज P1, ऊपर से PATM लग रहा है, ठीक है ना, प्लस इसका वेट है W। तो मैं ऐसे फोर्स बैलेंस ऐसे लिख सकता हूँ ना, P1A = PATM A + W, और P1 = क्या आ जाएगा, PATM + W/A। ठीक है, तो यहां से निकालोगे तो कितना आएगा, एरिया 1 m 160 किलो पास्कल। नहीं 160 नहीं, सॉरी 160 कहाँ आएगा भाई, चलो 600 न्यूटन ही कर लो, 600 न्यूटन ही कर लो, वेट को 600 न्यूटन ही कर लो, तो ये 600 पास्कल आएगा, तो 106 आएगा। ठीक है, मैंने 600 न्यूटन वेट कर दिया, तो नाउ इट्स 16, कितना, तब भी 100.6 आएगा ना। चलो
चलो इसको जस्ट मैं चाह रहा हूं कि जो ये है एक अप्रिशिएबल डिफरेंस दिखे तो एनालाइज करने में आसानी होगा। लेट्स से 6 किलो न्यूटन इसका वेट है, ठीक है ना? तो तब ये 106 आएगा, राइट? टेक वेट एज 6 किलो न्यूटन, ठीक है? ठीक है, मतलब मैं चाहता हूं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से फर्क रहे, ठीक है? ठीक, अब ध्यान से देखना, मैंने यहां इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हीटर लगाया, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसका रेजिस्टेंस लेट से 40 ओम है और इसमें करंट 100 एम्पियर का फ्लो किया है, ठीक है? तो टी इक्वल्स टू 0 पे मैंने ऑन किया है, टी इक्वल्स टू 0 पे ये सिचुएशन है, टी इक्वल्स टू 0 पे ये जस्ट ऑन हुआ है। सो टी इक्वल्स टू 0 पे प्रेशर पिस्टन का भी कितना है? यू हैव टू टेल मी एट टी इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स वॉट विल बी दी प्रेशर ऑफ प्रेशर एंड मैं जो बोल रहा हूं कि ये भी लेट्स से 4 मीटर, तो V1 मुझे पता है कितना हो जाएगा, 4 m³। P2 कितना है, V2 कितना है एंड T2 कितना है? इनिशियल टेम्परेचर जो है और T1 इस गैस का मान लो है 40 डिग्री सेल्सियस या T1 इज 300 केल्विन, 330 केल्विन इनिशियल टेम्परेचर। 5 सेकंड बाद इसका प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर कितना होगा ये तुम्हें बताना है। बताओ क्या होगा भैया, तुम लोग इतना शांत क्यों हो, बताओ कितना होगा? कोई 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 माइक अलार्म नहीं बता सकता?
देखो सबसे पहले ये मुझे बताओ, ध्यान से देखना, ये तुम्हारा सिस्टम है ना, ये सिस्टम है, है ना सिस्टम? मुझे बताओ सिस्टम में क्या हुआ है, वर्क ट्रांसफर हुआ है, वर्क ट्रांसफर हुआ है, प्रोसेस ये बताओ कि बाउंड्री को क्या क्रॉस कर रहा है, वर्क ट्रांसफर हो रहा है या हीट ट्रांसफर हो रहा है, क्या हो रहा है? कैसे? रीजन के साथ बताओ, वर्क ट्रांसफर हो रहा है या हीट ट्रांसफर हो रहा है, रीजन के साथ बताओ। देखो इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर रहा है ना सिस्टम बाउंड्री को, इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर रहा है ना सिस्टम बाउंड्री को, इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक वर्क ट्रांसफर हो रहा है। मुझे बताओ क्या इस प्रोसेस में एंट्रोपी ट्रांसफर है क्या? अब देखो मैं इसी के साथ क्वेश्चन जोड़ के कहां से कहां ले जा रहा हूं, क्या इस प्रोसेस में एंट्रोपी ट्रांसफर है? नो भैया, जब भी वर्क ट्रांसफर होता है, वर्क ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर में क्या फर्क है? कि जब भी वर्क ट्रांसफर होगा, वर्क ट्रांसफर इज एंट्रोपी फ्री, क्या है वर्क ट्रांसफर? एंट्रोपी फ्री होता है, नहीं होता है? ठीक, क्या इस प्रोसेस में एंट्रोपी जनरेशन होगा? क्या इस प्रोसेस में एंट्रोपी जनरेशन होगा? रीजन के साथ बताना है क्यों होगा। रीजन के साथ बताना है। टेम्परेचर इंक्रीज कभी भी एंट्रोपी जनरेशन का कारण नहीं होता, ध्यान रहे। हाँ मैंने कुछ नहीं दिया, इट इज अप टू यू। इस प्रोसेस में एंट्रोपी जनरेशन होगा नहीं होगा, हम मुझे कहानी मत बताओ, ये रिवर्सिबल एडियाबेटिक है नहीं है मुझे नहीं पता। कैसे होगा? व्हाई देर इज एंट्रोपी जनरेशन, व्हाई देर इज अ एंट्रोपी जनरेशन? हम्म
तुम्हारा डाउट और बढ़ा देता हूं। एक रॉड है, ये साइड से इंसुलेटेड है, कॉपर का रॉड है, ठीक, इंसुलेटेड फ्रॉम साइड। इस साइड का जो टेम्परेचर है दैट इज 200 डिग्री सेल्सियस, इस साइड का जो टेम्परेचर है दैट इज 50 डिग्री सेल्सियस, और ये स्टडी स्टेट में है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है और ऐसे हीट फ्लो कर रहा है, ठीक। ये स्टडी स्टेट में, बहुत ध्यान से देखना, ठीक। वॉट इज चेंज इन एंट्रोपी ऑफ दिस रॉड, वॉट इज चेंज इन एंट्रोपी ऑफ दिस रॉड, बताओ। देखो ध्यान से देखना, एंट्रोपी जनरेशन का लेना देना इरिवर्सिबिलिटी से है, इस चीज को बहुत गौर से समझ लो। एंट्रोपी जनरेशन कहां पे होगा, जहां पे इरिवर्सिबिलिटी होगा, और सीधी सी बात है, सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रिक वर्क जो कि एक हाई ग्रेड एनर्जी है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीट में, जो कि एक लो ग्रेड एनर्जी है, है? क्या ये प्रोसेस रिवर्सिबल है? ना, इरिवर्सिबल है, ये प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं हुआ, ठीक है ना, रिवर्सिबल नहीं है। तो इसके अंदर एंट्रोपी जनरेशन होगा बिकॉज ऑफ इरिवर्सिबिलिटी, जो ये इरिवर्सिबिलिटी है। अब मुझे बताओ, क्या ये इरिवर्सिबिलिटी इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी है या एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी है? बताओ, क्या ये इरिवर्सिबिलिटी इंटरनल है या एक्सटर्नल है? एक्सटर्नल, कितने लोग कह रहे हैं एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी है, इंटरनल? रीजन के साथ बताओ, वाई एक्सटर्नल वाई इंटरनल, रीजन के साथ बताओ, वाई एक्सटर्नल वाई इंटरनल, जिन लोगों ने अभी तक सेशन लाइक नहीं किया है खटाखट लाइक कर दें, नहीं तो दो दो बीघे जमीन सबकी लिखवा लूंगा। भैया देखो, वर्क जो वर्क हीट में कन्वर्ट हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, सिस्टम की बाउंड्री के अंदर, सो इट इज इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा तो एंट्रोपी जनरेशन होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। There is a difference between entropy transfer, entropy change and entropy generation. ठीक है, चलो पहले इसी पे आते हैं फिर वापस उस पे आएंगे, ठीक है, चलो।
तो भैया क्या होगा, जब वर्क ट्रांसफर होगा तो इसका इंटरनल एनर्जी राइज होगा, जब वर्क ट्रांसफर होगा इसको तो इसका इंटरनल एनर्जी जो कि टेम्परेचर का फंक्शन है, इंटरनल एनर्जी तो राइज होगा, लेकिन प्रेशर, क्या प्रेशर राइज होगा? प्रेशर क्यों नहीं राइज होगा ये बताओ, प्रेशर क्यों नहीं राइज होगा? वाई देर विल नॉट बी प्रेशर राइज? फ्री टू मूव, और कुछ? देखो एक फोर्स पी एटीएम इंटू एरिया ये लग रहा है और एक वेट डाउनवर्ड लग रहा है, अंदर से प्रेशर क्या लग रहा है पी वन इंटू ए, और ये इन दोनों को बैलेंस कर रहा है। जैसे ही ये प्रेशर थोड़ा सा बढ़ेगा, ठीक है ना, ये प्रेशर बढ़ेगा तो नीचे वाला फोर्स बढ़ेगा, ये पिस्टन क्या होगा ऊपर मूव कर जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और ऐसा करने से गैस एक्सपैंड हो जाएगा, ठीक है ना, और उसका प्रेशर डाउन होके फिर यही पी वन ही हो जाएगा। तो जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं बढ़ाओगे तब तक अंदर से गैस का प्रेशर ये नहीं बढ़ सकता। अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हो तो आपको वेट बढ़ाना पड़ेगा या एक्सटर्नल कुछ स्प्रिंग लगाना पड़ेगा। जब तक आप एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं करोगे तब तक इसका प्रेशर नहीं बढ़ सकता, क्योंकि इक्विलिब्रियम मेंटेन होना है ना। इज दैट क्लियर? सो वॉट विल हैपन, हाउ प्रेशर एंड वॉल्यूम विल चेंज? देखो भैया प्रेशर तो रहेगा कॉन्स्टेंट, ठीक है, वन टू टू। अच्छा क्या हम वॉल्यूम, अब कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस है तो पी वी इक्वल्स टू एम आर टी, एम आर तो कॉन्स्टेंट था ही, आपका प्रेशर भी कांस्टेंट हो गया, तो वी वन बाई टी वन इक्वल्स टू वी टू बाई टी टू। यहाँ से आप सेकंड पॉइंट का जो है वॉल्यूम, सेकंड पॉइंट का वॉल्यूम निकाल सकते हो। टेम्परेचर कैसे निकालोगे? टेम्परेचर आपको पता है, जितना आपने इलेक्ट्रिकल वर्क आई स्क्वायर आर इंटू टी दिया दैट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, एम सी वी टी टू माइनस टी वन, यहाँ से टी टू आ जाएगा, ठीक है ना। अब मुझे इसमें एक डाउट है, मुझे एक डाउट है, देखो कॉमन सी बात एक हमारे दिमाग में ये आ रही है कि ये रेजिस्टेंस हीटर है, ठीक है ना, ये हीटर है, तो हीट ट्रांसफर होगा, यहां वाला जो प्रेशर है वो ज्यादा होगा क्योंकि यहां टेम्परेचर बढ़ रहा है कंपेयर टू यहां वाले के, है ना, यहाँ जो प्रेशर लग रहा होगा, यहाँ हीटिंग ज़्यादा तेजी से हो रहा है, तो इस एरिया में गैस क्या होगा, एक्सपैंड करने की एकदम से कोशिश करेगा, तो यहाँ टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा प्रेशर भी ज़्यादा होगा, है ना, कंपेयर टू पिस्टन के पास, क्योंकि दूर है ना भाई। देखो यहाँ का प्रेशर में देखोगे आप और यहाँ के प्रेशर में देखोगे तो यहाँ प्रेशर आपको ज़्यादा मिलेगा, प्रैक्टिकली मैं बात कर रहा हूँ। अरे हाँ, या ना, रेजिस्टेंस हीटिंग जहां पे हो रहा है उसके बगल में प्रेशर रिलेटिवली थोड़ा ही भले ज्यादा हो, लेकिन कंपेयर टू इसके जो यहां प्रेशर है ज्यादा होगा। अब मुझे बताओ, वर्क डन बाय पिस्टन ऑन सराउंडिंग, पिस्टन कितना वर्क करेगा किसके अगेंस्ट, एयर के अगेंस्ट,
पीएटीएम और वेट के अगेंस्ट वर्क डन बाई दिस पिस्टन, वो कैसे निकालेंगे? वो तो यही है ना, इंटीग्रेशन पीडीवी। है नहीं है, फंसते हुए नजर आ रहे हो मुझे। अब बताओ यहां यहां प्रेशर अलग है, तो ये प्रेशर कौन सा है, इसके पास वाला या इसके पास वाला? अगर W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन पी डी वी लगा निकालना है तो भैया ये प्रेशर P कौन सा है, पिस्टन वाला है या वो रेजिस्टेंस हीटर वाला है रीजन के साथ? बताओ। बताओ कभी सुना है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस? नाम सुना है? नहीं सुना है, चलो रहने दो। इस इक्वेशन पे कोई अजम्पशन है? इस इक्वेशन पे कोई अजम्पशन है? व्हाट इज द अजम्पशन व्हाइल राइटिंग दिस इक्वेशन? क्या अजम्पशन है इस पे? व्हाट इज द अजम्पशन? भैया क्वासी स्टैटिक नॉट रिवर्सिबल। दोनों में फर्क है। समझ रहे हो? फॉर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में क्या होता है? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में पूरे सिलेंडर में प्रेशर एक होगा या अलग अलग होगा? क्वासी स्टैटिक के केस में प्रेशर पूरे सिलेंडर में एक होगा या अलग अलग होगा? पूरे सिलेंडर में प्रेशर एक होगा या अलग अलग होगा? एक होगा, और उसी में ये इक्वेशन लगेगी। उसी में ये इक्वेशन लगेगी, ठीक है, लगेगी ना। मान लो प्रोसेस क्वासी स्टैटिक नहीं है एंड आई वांट टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन पी डी वी, तो पी कौन सा प्रेशर होगा?
भैया वर्क तो पिस्टन पे ही हो रहा है ना, वर्क तो पिस्टन पे ही हो रहा है, तो अगर यहाँ पे अलग प्रेशर है तो उससे लेना देना नहीं है। जो प्रेशर पिस्टन पे लग रहा है वही लोगे आप। समझ में आया भाई? नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है, यहां पे प्रेशर अलग है भाई। इस पिस्टन पे ही वर्क होगा ना, तो इस पिस्टन पे जो वर्क करेगा, इस पिस्टन पे जो वर्क करेगा वो तो यही प्रेशर करेगा जो इस पे लग रहा है। सिंपल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है। हाँ HMT का सेशन और होगा, HMT का और सेशन होंगे, ठीक है? क्लियर है? समझ में आया नहीं आया? ओके, आया तो अच्छी बात है। अच्छा मुझे ये बताओ, ये कॉपर रॉड है, साइड से इंसुलेटेड है और इसमें हीट ट्रांसफर हो रहा है, इसमें मुझे इस एग्जाम्पल का यूज करते हुए एंट्रोपी ट्रांसफर ठीक, एंट्रोपी जनरेशन और चेंज इन एंट्रोपी में फर्क बताओ, क्या होता है फर्क? मैं इसका एग्जाम्पल लेके पूछ रहा हूँ, इस एग्जाम्पल में आपको तीनों चीजें समझानी है, व्हाट इज एंट्रोपी ट्रांसफर, व्हाट इज एंट्रोपी जनरेशन एंड व्हाट इज एंट्रोपी चेंज। नॉट सेटिस्फैक्टरी आंसर, नॉट सेटिस्फैक्टरी आंसर।
सबसे पहले चेंज इन एंट्रोपी को समझो। चेंज इन एंट्रोपी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। जो प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम होता है वो तभी चेंज होगा व्हेन स्टेट ऑफ द सिस्टम विल चेंज। ये बात से कन्विंस्ड हो कि नहीं हो? ठीक है ना। इसको आप इसमें ऐसे समझ सकते हो जैसे यहां पर स्टेट वन से स्टेट टू पे गया, ये गैस वन से टू स्टेट पे गई तो एंट्रोपी चेंज होगा। स्टेट वन पे एक एंट्रोपी होगा, स्टेट टू पे एंट्रोपी होगा, वो एंट्रोपी डिफरेंस हम निकाल सकते हैं, दैट इज चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे बेबी जी ये हो रहा है कि स्टेट ऑफ सिस्टम इज फिक्स्ड क्योंकि स्टडी स्टेट है। स्टडी स्टेट में भैया स्टेट ऑफ सिस्टम चेंज होता नहीं है। एंड व्हेन देयर इज नो चेंज इन द स्टेट देन चेंज इन एंट्रोपी विल बी जीरो क्योंकि सिस्टम की एंट्रोपी तो चेंज ही नहीं होगी। ठीक है ना। तो इस सिस्टम का एंट्रोपी स्टेट वन पे, ये सिस्टम इसका एंट्रोपी स्टेट वन पे और स्टेट टू पे सेम रहेगा। एस वन विल बी इक्वल टू एस टू, स्टेट वन और स्टेट टू पे सेम रहेगा, राइट। तो इसका एंट्रोपी चेंज जीरो होगा। क्लियर है? ठीक है। अब आओ एंट्रोपी ट्रांसफर। तो आई होप कि चेंज इन एंट्रोपी सबको क्लियर है, ये सिस्टम की स्टेट के साथ लिंक्ड है। अगर सिस्टम का स्टेट चेंज होगा तो सिस्टम की एंट्रोपी चेंज होगी। क्लियर है? इज दैट क्लियर? अरे भैया हाँ या ना बोल दिया करो, ऐसा लग रहा है जैसे मर गए हो। अब देखो समझो एंट्रोपी ट्रांसफर। एंट्रोपी ट्रांसफर वहां पे होता है जहां पे हीट ट्रांसफर होगा या जहां पे मास ट्रांसफर होगा। वर्क ट्रांसफर के साथ एंट्रोपी ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है। अब हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर कहां पे होगा मुझे बताओ, ये विद इन द सिस्टम होता है या बाउंड्री पे होता है? वर्क ट्रांसफर या हीट ट्रांसफर बाउंड्री पे होता है और विद इन द सिस्टम होता है, कहां पे होता है? कहां पे होता है भैया? बाउंड्री पर। तो एंट्रोपी ट्रांसफर को भी बाउंड्री पे देखना है, ये बात समझ में आया? एंट्रोपी ट्रांसफर को भी बाउंड्री पे। भाई हीट एंड वर्क ट्रांसफर आर बाउंड्री फिनोमिना। हीट एंड वर्क ट्रांसफर दे आर बाउंड्री फिनोमिना। तो उनको बाउंड्री पर ही देखा जाएगा कि वेदर दे आर क्रॉसिंग द बाउंड्री और नॉट। ठीक है ना, समझ में आया बात को? इसको और इलोबरेट कर देता हूं। मान लो एक इंसुलेट, ये डिब्बा है, इट्स एन इंसुलेटेड डिब्बा। क्या ये एक इंसुलेटेड डिब्बा और उसके अंदर मोमबत्ती जल रही है ऐसे? बताओ अगर मैं इसको सिस्टम मान लूं, इसको सिस्टम मान लूं, वेदर देयर इज अ हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर, क्या है हीट ट्रांसफर या वर्क ट्रांसफर क्या है? कुछ भी बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर रहा है,
बाउंड्री को देखेंगे, बाउंड्री पे कुछ भी क्रॉस नहीं हो रहा है, तो भैया ना यहाँ पे हीट ट्रांसफर है और ना यहाँ पे वर्क ट्रांसफर, बात समझ रहे हो? क्योंकि हीट एंड वर्क ट्रांसफर को तभी मानेंगे जब वो बाउंड्री क्रॉस करेगा, तब जब वो बाउंड्री क्रॉस करेगा तब मानेंगे उसको, नहीं तो नहीं मानेंगे। ठीक है, अब आओ यहां पे देखो, यहां सिस्टम की बाउंड्री को क्या हीट क्रॉस कर रहा है? बिल्कुल, यहां 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 सिस्टम की बाउंड्री को हीट ट्रांसफर क्रॉस कर रहा है, लेट्स से Q1, और यहां सिस्टम की बाउंड्री को हीट ट्रांसफर क्रॉस कर रहा है, यस Q2। तो जब भी सिस्टम की बाउंड्री को में हीट ट्रांसफर होगा तो एंट्रोपी ट्रांसफर तो पक्का होगा ना, ठीक है? कितना एंट्रोपी ट्रांसफर होगा? क्यू बाई बाउंड्री टेम्परेचर। तो एंट्रोपी इन कितना होगा? क्यू जितना भी हीट ट्रांसफर हो रहा है डिवाइड बाई बाउंड्री टेम्परेचर, विच इज 200 + 273। एंट्रोपी आउट कितना होगा? सेम क्यू बाई बाउंड्री टेम्परेचर विच इज आई थिंक 40°C, 50। समझ में आया एंट्रोपी ट्रांसफर क्या है? तो यहां पे कोई एंट्रोपी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, वो तो मैंने बोला ही ना, वर्क ट्रांसफर हो रहा है तो कोई एंट्रोपी ट्रांसफर नहीं हो रहा है। समझ में आया एंट्रोपी ट्रांसफर क्या है? ओके, नाउ कमिंग, बोलते रहा करो, नाउ कमिंग टू एंट्रोपी जनरेशन। एंट्रोपी जनरेशन इज ऑलवेज लिंक्ड विद इररिवर्सिबिलिटी। अब यहां पे देखो, क्या सिस्टम के अंदर इरिवर्सिबिलिटी नहीं है? भैया हीट फ्लो हो रहा है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, 200 to 50। जब भी हीट फ्लो करेगा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट बन गया, इरिवर्सिबिलिटी है कि नहीं है? इरिवर्सिबिलिटी अंदर बना कि नहीं बना इसके? इसके अंदर इरिवर्सिबिलिटी बना कि नहीं बना? तो क्या यहां एंट्रोपी जनरेशन होगा कि नहीं होगा? तो क्या यहां सिस्टम के अंदर एंट्रोपी जनरेशन होगा कि नहीं होगा? इरिवर्सिबिलिटी कैसा है? इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी है, एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी है? हाँ, उसे देखो, बाउंड्री दिखाया है ना मार्कर से, बाउंड्री दिखाया है ना मार्कर से, तो इंटरनल इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी है, एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी है? कौन सा इरिवर्सिबिलिटी है रॉड में? पहले इंटरनल वाले बता दो इंटरनल क्यों है, पहले इंटरनल वाले बता दो व्हाई इट इज इंटरनल।
भैया ये विद इन द सिस्टम बाउंड्री हो रहा है ना भाई, हीट यहां से यहां तक तो फ्लो हो रहा है, तो इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी हुआ ना, तो एंट्रोपी जनरेशन होगा, ठीक है। एंड ये इरिवर्सिबिलिटी कैसा होगा, इट इज अ इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी। अच्छा अब यहां देखो, एंट्रोपी बैलेंस लिखो, रेट ऑफ एंट्रोपी इन माइनस रेट ऑफ एंट्रोपी आउट प्लस रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। अब स्टडी स्टेट होने की वजह से सिस्टम का एंट्रोपी चेंज क्या हो गया, जीरो। एंट्रोपी जनरेशन क्या हो गया, आउट माइनस एंट्रोपी इन। तो भैया आउट वाला एंट्रोपी ज्यादा क्यों है इनसे, क्योंकि अंदर जनरेट हुआ है। देखो यहां पे जो एंट्रोपी आउट हो रहा है ना, वो ज्यादा है, यहां पे एंट्रोपी इन कम है। क्यों भैया, जब एंट्रोपी फ्लो किया है तो जनरेशन वाला भी उसी में ऐड हो गया है, समझ में आया। क्लियर है, ओके। ये तीनों तीनों के बीच फर्क समझ में आ गया, तीनों में फर्क समझ में आ गया। ये मैं तुमसे पूछने वाला था। अरे अभी टाइम है, पढ़ लो यार, अभी इंटरव्यू कब है तुम्हारा, बार के लिए 4-5 सब्जेक्ट तो पढ़ना है, कॉन्फिडेंस क्या नहीं आ रहा है। हमारे पास आओ एक दिन, तुम्हें कॉन्फिडेंस दिला देंगे हम, पगले से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। 5 सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है, बैठ के प्रिपेयर कर लो। कब इंटरव्यू है, 15 जून, अभी 15 मई है, 15 जून अभी क्या है, 15 मई, 1 महीने में तुम 5 सब्जेक्ट नहीं प्रिपेयर कर सकते इंटरव्यू के लिए। ऐसा है ना, ज्यादा अलाल मत बनो, नहीं भाला फेंक के मारेंगे, सही हो जाओगे तुम। 15 दिन तक एक एक घंटा, दो दो घंटा दो सारे सब्जेक्ट्स को, एक तो सब्जेक्ट अच्छे हो जाएंगे और दूसरा इंटरव्यू तो बिना प्रयास किए मैदान छोड़ के भाग जाना उचित थोड़ी ना है। पहले मुझे ये बता दो, तीनों में डिफरेंस क्लियर है, कौन एक मुझे एग्जाम्पल दे सकता है एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी का। देखो भागने वाला एटीट्यूड मत बनाओ, तुम्हारे हाथ में है प्रयास करना, तो प्रयास करना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। 1 महीना लग के तैयारी करोगे 5ों सब्जेक्ट, कुछ नहीं होगा, सब्जेक्ट तो स्ट्रांग हो जाएगा भाई। सिलेक्शन मान लो नहीं होगा, 1 महीना डट के 5 सब्जेक्ट पढ़ोगे तो 5 सब्जेक्ट तो स्ट्रांग हो जाएंगे। भाई सेलेक्टिव बार्क वाले सेलेक्ट नहीं करेंगे ना ज्यादा से ज्यादा, कि वहां तुमको पकड़ के बैठा लेंगे कि घर नहीं आने देंगे। क्यों नहीं कंसिडर किया, बिल्कुल कंसिडर किया। एंट्रोपी इन देखो लिखा नहीं है, क्यू बाई टी टू है, डी क्यू बाई टी टू है। देखो भैया क्यू बाई टी तो लिखा है, कहाँ एंट्रोपी ट्रांसफर है, देखो
ये क्यू बाई ये क्या है इक्वेशन मैंने, वही तो है। कैन एनी वन जस्ट गिव मी वन एग्जाम्पल, जस्ट गिव मी वन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल रिवर्सिबिलिटी। देखो मैं देता हूं, तुम ये पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है जिसके अंदर एयर भरा हुआ है, ठीक। दिस इज योर सिस्टम बाउंड्री, जो हाइलाइटर से मैंने हाईलाइट किया है। ठीक, इसका टेम्परेचर है, हाँ तुम्हारा एग्जाम्पल करेक्ट। एक रिजर्वायर है यहाँ पे एक, ठीक, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है और ये इसको हीट ट्रांसफर कर रहा है। बिल्कुल अमन भारद्वाज ने बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया है, हॉट पोटैटो है, ठीक है ना। मान लो पोटैटो का टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस है और सराउंडिंग 30 डिग्री सेल्सियस पर है, तो अगर आप इसको सिस्टम बाउंड्री मान लेते हो तो सिस्टम देखो हीट लूज कर रहा है ऐसे, तो यहां जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो सिस्टम की बाउंड्री से बाहर है ना, तो यहां एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी आएगा। यहां भी देखो एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी है भाई, जो 100 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री को हीट ट्रांसफर हो रहा है, राइट। तो यहां टेम्परेचर ग्रेडियंट आया ना, लेकिन दिस इज आउटसाइड द सिस्टम बाउंड्री। ठीक है ना, ये भी है देखो टेम्परेचर ग्रेडियंट बाउंड्री और सराउंडिंग के बीच में, तो यहां भी एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी होगी। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट है, क्लियर है या कोई डाउट है? चलो अगला क्वेश्चन, ये एयर है और इस साइड पूरा वैक्यूम है और इसमें छोटे छोटे मेम्ब्रेन लगे हुए हैं, है ना, अलग अलग स्टेप पे बहुत कम गैप में मेम्ब्रेन लगे हुए हैं, है ना। मैं जो ये मेम्ब्रेन है इसको रप्चर करता हुआ आऊंगा, तुम्हें बताना है वर्क ट्रांसफर इस प्रोसेस में कितना होगा। हाँ बिल्कुल राम यादव जी, बिल्कुल आपका बात सही है, ऐसा ही होगा।
क्यों जीरो क्यों होगा? फंस गए ना हिमांशु पटेल, बिल्कुल सही बोल के फंस गए। फ्री एक्सपेंशन में वर्क ट्रांसफर जीरो होता है। जैसा कि दुनिया में सबको पता है कि भैया वर्क ट्रांसफर होता है इंटीग्रेशन पीडीवी, तो मैंने छोटे छोटे मेम्ब्रेन निकाले, इसके अंदर का प्रेशर है मान लो P1, तो जैसे जैसे मेम्ब्रेन तोड़ोगे तो इसका प्रेशर कम होता जाएगा। P1 प्रेशर रिकॉर्ड कर लिया, फिर पहला मेम्ब्रेन तोड़ा फिर प्रेशर रिकॉर्ड कर लिया, दूसरा तोड़ा फिर प्रेशर रिकॉर्ड कर लिया, चौथा तोड़ा फिर प्रेशर रिकॉर्ड कर लिया, ऐसे करके हर मेम्ब्रेन तोड़ तोड़ के हमने प्रेशर रिकॉर्ड कर लिया, तो मुझे प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम पता लग गया। तो भाई जो वर्क डन है वो इंटीग्रेशन पीडीवी तो है, तो जीरो कैसे हुआ? बात समझ में आया नहीं है? दिमाग में घुसोगे कि नहीं घुसोगे? तो बताओ क्या मैं इंटीग्रेशन पीडीवी, क्या ये फॉर्मूला यहां नहीं लगेगा या लगेगा? तो कितना वर्क होगा? नहीं लगेगा तो क्यों नहीं लगेगा, ये आपको बताना है। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं वर्क ट्रांसफर जीरो है, वो तो मुझे भी पता है, क्यों जीरो है ये निकालना है। मेम्ब्रेन तोड़ने का वर्क हम निगलेक्ट कर रहे हैं। वी आर नॉट कंसिडरिंग वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रेक द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन तोड़ने में जो वर्क लगेगा उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। मेम्ब्रेन मूव नहीं कर रहा इसलिए, और कोई रीजन? एनीथिंग एल्स? मुझे ये बता दो क्या इंटीग्रेशन पीडीवी की वैल्यू जीरो होगी? क्या इसकी वैल्यू जीरो होगी? ठीक है, हम दे रहे हैं, हम सिस्टम को स्टेबल होने का टाइम दे रहे हैं। सिस्टम को मैं एक मेम्ब्रेन तोड़ के आराम से सो जाऊंगा, इसे हाथ फैला के एक घंटे बाद फिर उठूंगा, फिर दूसरा मेम्ब्रेन तोड़ूंगा, फिर घंटे भर के लिए सो जाऊंगा, फिर तीसरा मेम्ब्रेन तोड़ूंगा, फिर घंटे भर के लिए सो जाऊंगा, ऐसे करके तब तो चले गया। बोलो बोलो बेबी जी, फंस गए ना? सिर्फ एक बंदे ने सही आंसर दिया, एक या दो लोगों ने, और वो दो लोग पक्का क्लास के स्टूडेंट हैं, क्योंकि आंसर भी वही बताया जो मैंने क्लास में आंसर बताया था। बताओ कौन से वो पापी हैं जो क्लास में पढ़े हैं? कौन वो पापी है जो क्लास में पढ़े हैं? जल्दी बोलो जल्दी। देखो ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से बातों को सुनो। जब भी कोई चीज का आदान प्रदान होता है, मतलब ट्रांसफर होता है, जो कि यहां वर्क ट्रांसफर है, जब भी कोई चीज का आदान प्रदान होता है तो देर इज अ वन गिवर अदर रिसीवर, ऐसा होता है, देने वाला लेने वाला, तभी तो ट्रांसफर होगा।
वैधा यहाँ पे है और यहाँ पे उधो है। वैधे ने 500 रुपए उधो को दिया तो वैधा देने वाला हो गया, उधो रिसीवर हो गया। अब वैधा अकेला खड़ा है, 500 रुपए रख के कहीं पे चला आया, तो भाई ये ट्रांसफर थोड़ी ना हुआ, फेंक दिए से सुने, देने वाला है लेने वाला है ही नहीं। समझे? जब भी कोई चीज ट्रांसफर होती है कोई देने वाला होता है और कोई लेने वाला होता है। बात ये चीज तुम्हारे हजम हो रही है कि नहीं, मैं एग्जांपल के साथ हजम करा देता हूं, एक एग्जांपल के साथ मैं हजम करा देता हूं इसको। देखो जब ये वर्क हो रहा है तो देने वाला वर्क कौन है? एयर। और रिसीव कौन वर्क कर रहा है? ये किसको ट्रांसफर कर रहे हो? वर्क इसके अगेंस्ट कर रहे हो ना, पिस्टन के वेट के अगेंस्ट कर रहे हो। भाई जब आप वर्क कर रहे हो तो ये पिस्टन ऊपर जा रहा है ना, तो पिस्टन का पोटेंशियल एनर्जी नहीं बढ़ रहा है, तो इसका वर्क कहाँ गया? पिस्टन की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया। ठीक है? तो यहां एक गिवर है एक रिसीवर है, यहां पे वर्क ट्रांसफर हुआ है ना, यहां गिवर है और एक रिसीवर है। रिसीवर कौन है? देखो ये इधर रिसीवर है इधर गिवर है, यहाँ हीट ट्रांसफर नहीं हुआ ये, ठीक है ना, वो एक ही है। ओके तो ये चीज समझ गए, एक देने वाला एक लेने वाला होना चाहिए। अब यहाँ देखो हीट ट्रांसफर हो रहा है, ये रॉड रिसीवर है कोई पीछे से दे रहा है और यहाँ आउट हो रहा है, तो ये गिवर है कोई रिसीव करने वाला है। ट्रांसफर तभी माना जाएगा, आदान प्रदान तब माना जाएगा जब एक लेने वाला हो दूसरा देने वाला हो। ठीक है भैया? तो यहां आ जाओ भैया, इधर है वैक्यूम और इधर है एयर, ये देने वाला तो है, क्या आगे रिसीव करने वाला है? बोलो, देने वाला तो बैठा है, क्या लेने वाला है? देने वाला तो बैठा है, क्या लेने वाला है? नहीं भैया। रही बात इंटीग्रेशन पीडीवी की, इंटीग्रेशन पीडीवी आप बेशक लिखो, बेशक आप इंटीग्रेशन पीडीवी लिख सकते हो, ठीक है ना, लेकिन ये वर्कडन के बराबर यहां पे नहीं होगा, क्योंकि भैया वर्कडन इज अ बाउंड्री फिनोमिना। जब ये बाउंड्री को क्रॉस करेगा तभी वर्क ट्रांसफर माना जाएगा, और यहां जो वर्क है वो बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर रहा है। There is no receiver. Work boundary को क्रॉस नहीं कर रहा है। बात समझे? नहीं समझे? Is that understood or not? जी सर समझ गए, दिमाग में घुस रहा है। ये स्प्रिंग इसके साथ फिक्स है, यहाँ पे फिक्स है, और ये इनिशियल लेंथ है स्प्रिंग का एल आई, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के।
है ना, ये मान लो इसका एक्स इक्वल टू जीरो है, ठीक है। वर्क के बराबर नहीं होगा, एक वैल्यू होगा मात्र, जिसको जो भरा है। तो बाउंड्री को क्रॉस कहां किया, बाउंड्री को कहां क्रॉस किया, तब भी नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं एयर यहां से खींचना चालू कर दूं, ठीक, ये क्वेश्चन तुम्हें करना है, इस पिस्टन का वेट है लेट से 6 किलो न्यूटन, और इस स्टेज पे ये अनस्ट्रेच्ड लेंथ ऑफ स्प्रिंग है, वैक्यूम पंप लगाया और यहां से एयर खींचना चालू कर दिया, ठीक, वैक्यूम पंप लगाया और यहां से एयर खींचना चालू कर दिया, तुम्हें ये बताना है कि प्रेशर वॉल्यूम के साथ कैसे वैरी करेगा। आप चाहो के का वैल्यू अपने हिसाब से मान सकते हो, ठीक, खूब बुद्धि लगाना और बनाना। क्लियर है ये, लिख लिया है ना, पी इज प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द सिलेंडर, ठीक है ना, वेरिएशन आपको यहां ग्राफ दिखाना है, ठीक है ब्रो, यो ब्रो, लीनियरली डिक्रीजिंग, ओह माय गॉड, सोच लेना बेबी जी, सोच लेना। मेरे पास एक बलून है, ठीक, उसमें मैं एयर भर सकता हूँ ऐसा, सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम फीलिंग एयर इन बैलून, ठीक, एंड दिस फिलिंग प्रोसेस इज आइसोथर्मल प्रोसेस, फिलिंग ऑफ एयर इज व्हाट, आइसोथर्मल प्रोसेस। इसका इनिशियल प्रेशर बैलून का P1 है, दूसरा प्रेशर P2 है। अगर मैं प्रेशर इसके अंदर आपका 3 गुना कर दूं, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस बैलून, इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम इज P1 एंड V1, मैंने प्रेशर को 3 गुना कर दिया, व्हाट विल बी द वॉल्यूम, और ये प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस है।
सोच लो। देन विच इक्वेशन शुड वी अप्लाई, कौन सा इक्वेशन अप्लाई करेंगे ये भी बता दो साथ में। तुम लोग तो V/3 बता दिए थे। देखो ये कॉमन सा एक्सपीरियंस कितने लोगों ने किया है कि जब गुब्बारे को फुलाते हो आप, ठीक है, गुब्बारे को जब आप फुलाते हो तो प्रेशर और वॉल्यूम दोनों बढ़ता है। तो पीवी इक्वल्स टू एमआरटी कहाँ वैलिड हुआ? ये सुटना नहीं। कितने देने बांध हो चुकी। हाँ ओ वाली दिले। ये थल्ले थोड़ा रगड़ी था भाई ना। ला एक मिनट दे, एक ना तूले आ मिनट दे। ला एक दे दे दे। अरे आ दे दे, एक दे दे। अच्छा चल मैं चल ले ही आ जा फिर बाहर। बाहर चल मैं एक दे फिर मैनू एक दे एक दे।
देखो अगर इक्वेशन ऑफ स्टेट आपको यूज भी करना हो तो भैया देखो पीवी इक्वल्स टू एमआरटी, यहां पे चलो सेम गैस है तो आर तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी चलो मान लो कांस्टेंट है, तो आप इक्वेशन लगाना चाहो तो आप ये इक्वेशन लगाओगे, मास कांस्टेंट नहीं है तो यहां पे कांस्टेंट क्या है, पीवी बाई एम इक्वल्स टू कांस्टेंट है। ठीक है ना, इसीलिए तुम गच्चा खा गए। तो कभी भी जल्दबाजी नहीं करना है, आइसोथर्मल प्रोसेस सुनते ही तुमने पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट लगा दिया और तुमने अपना कॉमन सेंस यूज नहीं किया, ठीक है ना। तो जबकि तुमको कॉमन सेंस क्या कहता है, गुब्बारे में हवा भरने से गुब्बारे का प्रेशर और वॉल्यूम दोनों बढ़ता है, समझ रहे हो बात को। इसीलिए मैं बोलता हूं इतना जल्दबाजी मत करो आंसर देने में, जो क्वेश्चन सामने वाला पूछ रहा है ना उसमें कुछ ना कुछ और ट्रिक फंसाएगा, अब तुम जल्दबाजी में सब गड़बड़ कर जाते हो। इतना जल्दबाजी नहीं दिखाना है, आराम से, है ना। देखो मान लो मेरे पास एक ये लेक है, एक कॉपर बॉल है, जिसका टेम्परेचर लेट से 100 डिग्री सेल्सियस है, लेक का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, जो लेक का वाटर है, इसको यहां से नीचे फेंका गया। तुमको इस प्रोसेस में बताना है कहां कहां पे एंट्रोपी जनरेशन होगा, ध्यान से देखना मैं क्या पूछ रहा हूं, कहां कहां पे एंट्रोपी जनरेशन होगा। ये देख रहे हो बाहर के इंटरव्यू की तैयारी हो रही है, देख रहे हैं यहां पर। तुम्हें ये बताना है कहां कहां पे एंट्रोपी जनरेशन होगा, जनरेशन इंक्रीज और जनरेशन डिक्रीज तो मैंने पहली बार सुना है, जनरेशन में तो इंक्रीज ही होता है बेटा, डिक्रीज कहां होता है। कहां पे एंट्रोपी जनरेशन होगा, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं।
क्या ड्यूरिंग फॉल जनरेशन होगा? चलो देखो सिंपल से, सराउंडिंग मान लो लेक का टेम्परेचर है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कुछ मान लो तुम, मान लो पूरा सराउंडिंग और लेक का टेम्परेचर एक ही है 25 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे ये बताओ, जब बॉल नीचे आ रहा होगा, बॉल नीचे आ रहा होगा यहाँ से यहाँ तक, लेट से ये 100 मीटर हाइट है, ठीक है 100 मीटर हाइट है, तो क्या कुछ हीट ट्रांसफर सराउंडिंग को नहीं हो रहा होगा? और जब हीट ट्रांसफर हो रहा होगा तो उस समय टेम्परेचर डिफरेंस 100 से 25 आ रहा है, तो एंट्रोपी जनरेशन होगा नहीं होगा? एंट्रोपी जनरेशन होगा कि नहीं होगा? होगा। अच्छा, जब यहां से यहां तक आएगा, क्या बॉल काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं करेगा 1/2 mv2? जब बॉल यहां से यहां तक आएगा, क्या ये काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv2 गेन नहीं करेगा? ये सारा काइनेटिक एनर्जी प्लस जो इंटरनल एनर्जी है वो किसको जाएगा? भाई बॉल यहां आके वाटर के साथ टकराएगा, थोड़ी देर बाद रेस्ट में आ जाएगा, तो बॉल का काइनेटिक एनर्जी प्लस बॉल का इंटरनल एनर्जी ज्यादा है ना लेक वाटर से? ठीक है ना, तो ये काइनेटिक एनर्जी इंटरनल एनर्जी कन्वर्ट जाएगा इसको, ठीक है ना, वाटर को। देखो ये हाई ग्रेड एनर्जी है, जो पानी को जाएगा वो हीट होगा, वो लो ग्रेड एनर्जी है, तो यहाँ पे एंट्रोपी जनरेशन होगा। इंटरनल एनर्जी हायर टेम्परेचर 100 डिग्री से 25 पे जाएगा, तो वहां पे एंट्रोपी जनरेशन होगा। समझ में आया?
कर लो काउंट, वो तो हाफ एम वी स्क्वायर मैंने लिखा है ना। ड्रैग के बाद वेलोसिटी कम हो जाएगा, ड्रैग वाला जो एनर्जी होगा वो भी तो हीट में ही डिसिपेट होगा, वहां भी एंट्रोपी जनरेशन होगा। ठीक है, ओके। ये एक मासलेस पिस्टन है, कैसा पिस्टन है ये? और इसके अंदर वाटर भरा हुआ है, या अदर देन कोई भी लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, अदर देन वाटर कोई भी लिक्विड भरा हुआ है, दिस इज अ मासलेस पिस्टन, ओके। अदर देन वाटर कोई लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है ना, ओके। इसका टेम्परेचर है लेट से, या मान लो वाटर ही भरा हुआ है, वाटर है एट 30 डिग्री सेल्सियस, मासलेस पिस्टन है, ठीक है ना। पी एटीएम आपका है 100 किलो पर पास्कल, इसको इसमें हीट ऐड करेंगे, ठीक। आपको बताना है कि इसका प्रेशर एंड वॉल्यूम कैसे चेंज करेगा, इसका टेम्परेचर एंड एंट्रोपी कैसे चेंज करेगा। दो चीजें आपको, दो प्लॉट बताना है। सत्यजीत बाबू इतना आसान नहीं है, इट्स नॉट दैट इजी ब्रो। यो ब्रो सोच के बोलो ब्रो, यो ब्रो ओके ब्रो, ओके ब्रो, ओके। मुझे बताओ ये लिक्विड क्या है, ये सैचुरेटेड लिक्विड है, सबकूल्ड लिक्विड है, या ये क्या है, क्या ये सैचुरेटेड लिक्विड है या सबकूल्ड लिक्विड है या ये सुपर हीटेड लिक्विड है, क्या है ये? अच्छा, या ये कंप्रेस्ड लिक्विड है,
सब लोग कह रहे हैं ये सब कूल्ड लिक्विड है, कंप्रेस्ड लिक्विड नहीं है, है ना, कंप्रेस्ड लिक्विड नहीं है। मुझे तो लग रहा है ये कंप्रेस लिक्विड है। लुडविक प्रांटल्स भाई दोनों एक ही है। अरे तो गेम हो रहा है। अच्छा कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई लिक्विड सबकूल्ड लिक्विड है या कंप्रेस लिक्विड है, कैसे डिसाइड करते हैं, हाउ वी डिसाइड। ब्रो हाउ वी डिसाइड, पानी है भाई ये। कैसे ढूंढेंगे कि ये कंप्रेस लिक्विड है सब, पहली बात तो ये बता दूं ये दोनों एक ही होते हैं, ठीक है, कि मैंने जानबूझ के कंप्यूटर का, हाँ समझे, ये दोनों एक ही हैं और इस नाम की दुनिया में कोई चिड़िया एग्जिस्ट करती नहीं और ये है नहीं। ठीक है अब समझो है क्या, यदि दिए हुए प्रेशर पर, गिवन प्रेशर पे, कितना प्रेशर है, अगर ये मासलेस पिस्टन है तो भैया जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां पे होगा वही यहां पे प्रेशर होगा, तो प्रेशर कितना है, प्रेशर इज 100 किलो पास्कल। अच्छा 100 किलो पास्कल पर वाटर के लिए कितना सैचुरेशन टेम्परेचर होगा, 100 किलो पास्कल मतलब 180 सैचुरेशन टेम्परेचर कितना होगा, हंड्रेड डिग्री सेल्सियस। यदि एक दिए हुए प्रेशर पर फ्लूइड का जो टेम्परेचर टी है वो सैचुरेशन टेम्परेचर से कम हो तो उसको हम कंप्रेस लिक्विड या सबकूल लिक्विड बोल देते हैं। देखो देख लो, प्रेशर है 100 किलो पास्कल, उस पे सैचुरेशन टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस से जो तापमान है आपका वो सैचुरेशन से कम है, तो ये कंप्रेस लिक्विड या सबकूल्ड लिक्विड है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सैचुरेशन टेम्परेचर, What is saturation temperature? Saturation temperature क्या है? जैसा तुमने ये तो सुना ही होगा, लोग कहते हैं भाई हम सैचुरेट हो चुके हैं, ठीक है, तो एक दिए हुए प्रेशर पर
वो टेम्परेचर जहां पे लिक्विड फेज चेंज करना चालू कर देता है उसको सैचुरेशन टेम्परेचर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें हीट ऐड करोगे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, कहाँ तक बढ़ेगा? हीट ऐड करने पर टेम्परेचर बढ़ेगा लेकिन कहाँ तक बढ़ेगा? हंड्रेड डिग्री सेल्सियस। हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा, ठीक है ना? उसके बाद क्या हो जाएगा? फेज चेंज होने लगेगा यहाँ। ठीक है ना? प्रेशर वॉल्यूम में तो हमें समझ में आ रहा है, मान लो ये स्टेट वन है, हीट ऐड करोगे वॉल्यूम तो बढ़ता जाएगा, ये टू क्या आ गया? सैचुरेशन स्टेट, 100 डिग्री सेल्सियस, है ना? इसके बाद फेज चेंज होना चालू होगा लेकिन वॉल्यूम फिर बढ़ता जाएगा, ये पूरा गैस बन गया थ्री पे, फिर ऐड करोगे फिर सुपर हीटेड में जाएगा लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रहेगा इससे, ठीक है? लेकिन टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर ये है ना, हीट ऐड का हो रहा है तो एंट्रोपी भी बढ़ेगा और टेम्परेचर भी बढ़ेगा और ये ऐसे बढ़ेगा, और जैसे ही ये 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा फिर कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि फेज चेंज हो रहा है, लेकिन एंट्रोपी बढ़ेगा क्योंकि हीट ऐड हो रहा है, एंड अगेन इट विल स्टार्ट राइजिंग और ये प्रेशर इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा। अब ये वेरिएशन, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, आगे चला जाएगा मान लो लेट से फोर सुपर हीटेड रीजन। ये तो समझ में आ गया कि वन टू टू प्रेशर इज, प्रेशर जो वॉल्यूम है वो हॉरिजेंटल है, ठीक है ना? लेकिन ये एंट्रोपी लाइन कैसा होगा? हाउ टू फाइंड आउट दिस कर्व? टीडीएस इक्वेशन से, टीडीएस इक्वेशन कौन सा? इससे इसकी बात कर रहे हो, इससे निकालें। इससे तो प्रेशर कांस्टेंट है, ये जीरो हो जाएगा, इंथैल्पी चेंज क्या हो जाएगा? एम सी डी टी दैट इज इक्वल टू टी डी एस, तो डी टी बाई डी एस क्या आ जाएगा? टी बाई एम सी। एम और सी कांस्टेंट अगर मान लो तो टेम्परेचर जो स्लोप है इसका लीनियर होगा, टेम्परेचर का लीनियर फंक्शन होगा स्लोप। स्लोप बढ़ता जाएगा, और अगर इसको इंटीग्रेट कर लो तो ये डी टी बाई टी हो जाएगा और ये डी एस बाई एम सी पी हो जाएगा, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? लॉग टी, और ये हो जाएगा एस, प्लस सम कांस्टेंट लेट्स से के, ये हटा दो तो ये एक्सपोनेंशियल हो जाएगा ना,
तो ये एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा ना यहाँ से, और ये तो आ गया फेज चेंज, यहाँ तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, एंट्रोपी बढ़ेगा, तो यहाँ एंट्रोपी चेंज आप कैसे निकाल सकते हो, 3-2 एंट्रोपी चेंज कैसे निकाल सकते हो, टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, तो कितना हीट जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये डिवाइड बाई टेम्परेचर, निकाल सकते हो ना। आगे ये इक्वेशन क्या कैसा जाएगा, अब ये सुपर हीटेड वेपर है, देखो ये सब कूल्ड लिक्विड है, ठीक है, ये सैचुरेटेड लिक्विड प्लस वेपर मिक्सचर है, और ये सुपर हीटेड वेपर है, यहां कैसे निकालोगे, यू कैन एज्यूम सुपर हीटेड वेपर टू बी आइडियल गैस और नॉट, यहीं से आ जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट है ना, अगेन एक्सपोनेंशियल बढ़ेगा, ठीक है, चलो क्लियर है ना, क्लियर है, तो इसको ढंग से देख लेना, ठीक है, अभी और क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, मैक्सिमम लोगों का इंटरव्यू डेट किस तारीख से चालू है, इंटरव्यू किस तारीख से चालू है, इंटरव्यू डेट क्या है, जब कब से चालू है, ट्वेंटी थर्ड मई से चालू है, तो ज्यादातर लोगों का जून ही में होगा, ज्यादातर लोगों का तो जून में ही होगा, है ना, तेईस मई टू 15 जून, ठीक है, चलो ठीक है, तो अभी ये लेक्चर सीरीज जारी रखेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना राय जरूर व्यक्त करना, तो जब तक तुम लोगों को ये जो सीरीज़ है वो हेल्पफुल रहेगा तब तक मैं इस पे लेक्चर लेता रहूँगा, ठीक है ना, तो जैसा आपका राय हो बताना, जब बंद करना हो तब भी बता देना कि अब फ़ायदेमंद नहीं है, ठीक है ना, आज HMT का क्लास होगा कन्वेक्शन का, ठीक है ना, चलो ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।